मेरे उत्तराखंड के गैरसैंण चमोली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माल्टा उत्पादन होता है। जैविक विधि से उगाए गए इस माल्टा फल में भरपूर औषधीय गुण हैं। इसे सीधे खाया जाता है, इससे जूस भी बनता है और इसके छिलकों के पाउडर से फेस पाउडर भी बनाया जाता है। स्थानीय मार्केट के अलावा बाहर के मार्केटों में भी इसकी खूब डिमांड है। इन सब के बावजूद भी माल्टा उत्पादक इसको अपनी आय का जरिया नहीं बना पा रहे हैं। माल्टा उत्पादक बाजार की अनिश्चितता के कारण कच्चे माल्टे ही बेच जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने माल्टे का विपणन पहले गढ़वाल मंडल को दिया, मगर सही व्यवस्था न होने से इसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। अब सरकार ने उद्यान विभाग को माल्टा खरीदने का जिम्मा दिया है, मगर किसानों को वाजिब दाम आज भी नहीं मिल रहा है। आप जब इन बिचौलियों को माल्टे देते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है? जैसे एक कट्टे में 500 माल्टे आते हैं, ये कट्टे दिए हमने 250 में, इसमें हमें 250 का नुकसान है। इसमें कैसे माल्टे देते हैं? ये हरे वाले माल्टा, कच्चे माल्टा, कच्चे हम इसलिए बेचते हैं उनको कि अगर हो सके बर्फ़ गिर जाए ये अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, तो हो सके माल्टे के पेड़ जो हैं वो सब टूट जाएंगे बर्फ़ से, इसीलिए हम उनको कच्चे बेच देते हैं। अब कच्चे माल्टे हम इसलिए बेचते हैं ना कि क्योंकि अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर हम कहते हैं कि कहीं ये जाए या ना जाए, कौन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो लोग आ जाते हैं तो हम दे देते हैं उनको, फिर खराब हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। फिर हम सोच रहे कि कहीं मार्केट में हम लोगों का हो सके, हम लोग हमारी पहचान हो सके मार्केट तक, यहाँ से मतलब हम लोग भेज सके मार्केट तक। इस साल उत्तराखंड उद्यान विभाग ने माल्टे का समर्थन मूल्य 6.25 रुपये किलो किया है, जबकि वही माल्टा मार्केट में 10 से 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय काश्तकार हैं उनको उद्यान विभाग अपने साथ बिठाए, मूल्य तय करे ताकि वे बिचौलियों के हाथ से बच सके। स्थानीय उत्पादन जैसे जूस और माल्टे के छिलके का पाउडर के उद्योग लगे। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।